हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजनी मैम स्पति यशवंत। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो बताने जा रही हूँ, जो कि फादर्स डे के लिए आप कार्ड कैसे बनाओ। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, सच मानिए, बस हम लोग इन सामान से बनाएंगे। एंड लास्ट में मुझे कुछ कलर्स लगेंगे, वो अभी मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। कुछ कलर्स तो उसके लिए आपको चाहिए एक बंच ऑफ फ्लावर्स। अगर आपके पास ये फ्लावर्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट ऑलरेडी मतलब मैं अगर आपको चाहिए फ्लावर्स कैसे बनाएंगे तो कमेंट कर, बस एक कमेंट करना है एंड 5000 लाइक करना है, तो मैं इस फ्लावर्स का भी वीडियो ले आऊँगी। एंड बहुत ही ईजी है इस फ्लावर्स को बनाना। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे फेविकोल, मेरे पास अशोका का ऐप चाहे तो कोई भी फेविकोल या ग्लू यूज़ कर सकते हो। अब कट पीस ऑफ चार्ट पेपर, मैंने तो छोटा सा चार्ट पेपर से कट ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये रैपिंग पेपर, अगर आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर को कलर या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर कलर्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिए दो तरीके की ऐसी व्हाइट शीट। मैं देखूँ वैसे तो आपको एक ही व्हाइट शीट चाहिए, आप दो भी ले सकते हैं, मैंने स्कूल वाली व्हाइट शीट्स ली है, आप चाहे तो सिंपल भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाइट पेपर को ले लेना है एंड इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना। अगर आपके पास होल्स वाला व्हाइट पेपर नहीं है तो व्हाइट पेपर नहीं है तो अच्छी बात है, होल वाला मेरे पास तो होल वाला ही था तो मैंने होल वाला ही ले लिया। उसके बाद आपको साइड से इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसे कार्ड का शेप हमने दे दिया है यहाँ पे, ये देखिए, एंड साइड के एजेस एकदम बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा बन गया। तो इसमें हम लोग जो फ्लावर बंच हमारा फ्लावर का था, इस बंच को हम लोग कुछ इस तरीके से इंसर्ट करने वाले हैं, लाइक दिस, जिससे अच्छा लगे। तो अभी इसे हटा लेते हैं, यहाँ पे अंदर का काम हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो अंदर का काम स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए आपको एक पिंक शीट, आप कोई भी कलरफुल ले सकते हो, मैंने रैपिंग पेपर पिंक लिया था इसलिए मैंने पिंक की ले लिया शीट। इस शीट को आपको अपने कार्ड के हिसाब से, ये वाला जो हमारा कार्ड नहीं था इसके हिसाब से अंदर की मतलब इतना बड़ा आपको, लगभग इतना बड़ा आपको चाहिए। तो इसे हम इस वाले पेपर को कट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं इस शेप में। तो फ्रेंड्स इसे मार्क करने के लिए आपको अपनी जो ये शीट है उसे एकदम इसके लास्ट एजेस पे ऐसे लगा लेनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, वो तो हम कट ही कर लेंगे, हल्की सी जगह मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। हमें इस साइड का इतना रिटेन करना है क्योंकि इतनी हम नहीं रिटेन करेंगे इतने फिंगर की, क्योंकि थोड़ी सी इधर जगह छोड़नी है। सेम साइज अब भी रहेगा एंड हम साइड का साइज हो गया हमारा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स एक बात और, इसे कट करने से पहले आप इसकी साइज ले लेना एंड हमें इतना रिटेन करना है, अगेन इतने पार्ट को हमने छोड़ा है तो हमें इतना कट कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने साइज का इसे काट लिया है। इसके बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से स्टिक करना है, तो मैं यहाँ पे अपना अशोका वाला ग्लू यूज करने वाली हूँ एंड इसे अप्लाई कर लूंगी। तो ये मैंने ग्लू लगा ली, अब इसे अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह पंच वाला पेपर यूज़ कर रहे हो, यानी कि सर्कल वाला पेपर यूज़ कर रहे हो, तो उसे सर्कल को कवर कर देना जिससे लगे ना कि सर्कल है, एंड बैक से लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बैक में इतना ध्यान नहीं देता है। इसे तो हल्का सा कुछ बार आप इसे प्रेस कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी नोट्स डाल देना। यहाँ पे पहले मैं अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ नोट्स, तो मैंने यहाँ पे नोट्स लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन दे देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ हैप्पी फादर्स, हैप्पी फादर्स डे टू माय, मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पी फादर्स डे टू माय ग्रेट फादर फ्रॉम योर
kids kids side to a great and handsome father. यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स डाला है, फिर लिखा है हैप्पी फादर्स डे टू अ ग्रेट टू माय ग्रेट फादर फ्रॉम योर किड साइड टू अ ग्रेट एंड हैंडसम फादर. तो ये मेरी अंदर की नोट्स तैयार हो चुकी हैं. इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाले पिंक वाले पेपर से हार्ट काटने वाली हूँ. तो हार्ट काटने के लिए आपको सबसे पहले अपना पेपर, इसके बाद आपको इस पेपर को ऐसे दो फोल्ड कर लेना है. पहले तो आप साइड के एजेस एकदम बराबर काट लेना. तो ये मैंने बराबर काट लिया. इसके बाद मैं इसे इतना रिटेन करूँगी. आपको कुछ इस शेप का से ड्रॉ कर लेना. जिससे इसे हार्ट का लुक मिले जब हम इसे काटें एंड ओपन करें. एकदम परफेक्ट इसे बनाइएगा. अगर आप परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो आपकी हार्ट डिस्ट्रॉय हो सकती है. ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है इसे. एंड अब मैं इसे अच्छे से काट लूँगी. यहाँ पे ये देखिए मेरी दो हार्ट्स कट चुकी हैं. तो अब हम अपने कार्ड को लाते हैं. ये हमारा कार्ड, इसको हम यहाँ पे इसे पेस्ट करने वाले हैं. बट इसके साइड में हम लोग आउटलाइंस करेंगे क्योंकि हम लोग ने पिंक चार्ट पेपर यहाँ भी लगाया, पिंक यहाँ भी लगाया, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा. आप चाहे तो पिंक स्केच से भी आउटलाइन कर सकते हैं या फिर रेड से भी. तो मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स, मैंने करने के लिए लिया है एक पिंक स्केच एंड पिंक पेंसिल कलर. आप चाहे तो मोम कलर ले सकते हैं या फिर पिंक पेन भी ले सकते हैं. तो जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही करना है. इसके साइड में आपको आउटलाइंस कर लेनी है. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है. सेम चीज़ आपको दोनों में कर लेनी है. तो ये दोनों में मैंने आउटलाइन कर ली है. इसके बाद मैं पिंक से इसे साइड में लुक देने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड में दोनों में इस लुक दे दिया है, ये देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, फिंगर्स क्रॉस कैसा बने ये कार्ड, पर वैसे तो अच्छा बनेगा ही. तो अब हमें अपने कार्ड को ले लेना है एंड ग्लू का काम है इधर. तो इसे ओपन करना है. आपको एक हार्ट को इस शेप का मतलब फोल्ड कर लेना है. ऐसे आप फोल्ड कर दीजिएगा. ये हो गया ना हमारा हार्ट रेडी. एंड इस एक्सेस को आप काट देना. ये मैंने साइड से भी उड़ा दिया इसे. तो ये मेरा हार्ट लग रहा है, राइट. एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी काटा पीटी कर देते हैं हल्की सी. ये लो हो गया. तो हमारी ये बन चुकी. ये देखिए, इसे अगर करेंगे तो कैसे बन जाएगा. तो ये हमारी एंड ये वाले हार्ट जो थी हमारी, उसमें हम पीछे ग्लू लगा देंगे ये वाली बीच वाली पोर्शन पे. मैंने घर से ग्लू लगा दी. यहाँ बीच में आपको लगाना है, हल्की सी ग्लू ही लगाइएगा. एंड इसे कार्ड के बीच में पेस्ट कर देना. पेस्ट करने के बाद इसे ऐसे पकड़ के साइड का आपको इधर फोल्ड कर देना है. एंड इधर से लेके आपको इधर फोल्ड कर देना है. तो ये हमारी ऐसे उड़ने टाइप की बन जाएगी. ये वाली जो हमने बनाई थी इस पर भी हमें सेम करना है. ये वाली जो पीछे वाली थी इस पर हम थोड़ा सा ग्लू लगा के इस पर ऐसे पेस्ट कर देंगे. एंड इधर ग्लू लगा के इसे हम इस पर पेस्ट कर देंगे. इसके बाद हम इन दोनों को ऐसे उठा देंगे. आप चाहे तो और भी फ्लावर्स लगा सकते हैं, मतलब हार्ट्स लगा सकते हैं. बट मैं लगाने वाली हूँ क्योंकि ये दो से लुक और अच्छा आता है. चाहे तो आप तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, बट दो का लुक ही अलग है. तो ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया. कितना प्रेटी लग रहा है ये. तो अब आते हैं हमारी
ये देखिए, अगर आप इसे फोल्ड भी करेंगे, ये देखिए, नाइस। तो अब हम आते हैं अपनी आगे वाली लुक पे। तो आगे वाली लुक पे मैं क्या करने वाली हूँ, सेम चीज़ आपकी जो छोटी छोटी कट पीस रहती है ना, मैंने मान लीजिए इसे इतना इतना इसे हटा दूंगी एंड सेम चीज़ इसके साथ भी कर दिया एंड इन दोनों में मैंने मान लीजिए हाफ काट दिया। ये देखिए हमारी कुछ हार्ट्स कट गए। इन सब हार्ट्स को आपको करना क्या है, ये सारी हार्ट्स पे आपको ग्लू चाहिए, बट मैं ये वाली हार्ट नहीं यूज करने वाली क्योंकि ये अच्छे शेप्स की नहीं कटी। आप चाहे तो अच्छे शेप की काट लें, तो मैं अच्छे शेप की काट के मिलती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये वाली शीट से भी काट सकते हैं, तो मैं यही वाली शीट से काटूंगी हार्ट्स को। तो पहले भाई इसे सही कर लेता, कटिंग ही गया। एंड फ्रेंड्स, चाहे तो आप इस कार्डबोर्ड से भी काट सकते हैं, मतलब इस पेपर से भी काट सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इन सब पेपर से नहीं काटूंगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी पेपर से काटूँ। तो यहाँ पे आपको इस पेपर को ले लेना है, इतना आपको इसका काट लेना है एंड इसके बाद इसे सेम प्रोसेस से छोटी सी एकदम 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 छोटी सी एंड साइड के एक्सेस हम सेम कर लेते हैं। इतनी की इतनी हम रखें, इतनी ही इतनी ना। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे आपका हार्ट हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे अच्छा सा हार्ट ड्रॉ कीजिएगा। एंड से मैं इतना अलग कर लूंगी एंड इतने से अपने हार्ट को काट लूंगी। ये हमारे हार्ट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए हम लमसम चार हार्ट्स बन चुके हैं, इसका भी हम लोग सेम हार्ट्स काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग साइज के, मतलब जो मैंने पहले बनाया था उससे वो वाली साइज एंड उससे थोड़ी सी छोटी साइज के कुछ हार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे साइड कर लेते हैं एंड अभी हमें काम है उसका ही। तो अब हम यहाँ पे अपने ये वाले जो हमारी कार्ड नहीं थी इस पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जगह आप ग्लू डाल देना, जैसे मैं कोई जगह ग्लू डाल देती हूँ एंड आपको बीच के पोर्शन में ग्लू नहीं डालनी है, साइड ही में डालिएगा बिकॉज हम लोग ग्लू बीच में लिखेंगे ना हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स, जितनी से जितनी हार्ट आप लगा सकते हो उतनी हार्ट लगाना, अच्छी भी लगेगी एंड ग्लू जो है वो ज़्यादा रखना। जैसे यहाँ मैं ग्लू ज़्यादा रख रही हूँ, इतनी भी ज़्यादा मत रखिएगा बट ज़्यादा तो रखिएगा एंड कोई मैटर नहीं करता है कि आप बड़ा लगा रहे हो या छोटा, जैसा लगाना चाहो आप वैसा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कम्प्लीटली फुल कर दूंगी, फिल कर दूंगी। तो मेरा पूरी कार्ड मैंने हार्ट से भर ली है। इसके बाद अब हमें बीच पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ कलर्स ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ अच्छे और पॉप आउट कलर्स से लिखना है। तो मैंने ये पर्पल एंड ये ब्लू, डार्क ग्रीन एंड ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर ले लिया है, इसी से मैं लिखने वाली हूँ। तो पहले मैं यूज़ करूँगी ये पर्पल कलर, इसमें लिखने वाली हूँ हैप्पी। तो अच्छे से एंड बड़े से सेंटेंस, मतलब बोल्ड सेंटेंसेस में, बोल्ड लेटर्स में मैं लिखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि हमें इतना अच्छा कार्ड जो बनाना है
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है एंड मैंने यहाँ पे टू कलर्स एक्स्ट्रा लिए थे जो मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देती हूँ, ब्राउन एंड रेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैप्पी फादर्स डे टू ग्रेट फादर। तो ये हमारा कार्ड यहीं पे रेडी होता है एंड बहुत ही अच्छा कार्ड हमने बनाया है, बट अभी फुल्ली रेडी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है हमें अभी क्या ऐड करना है, अ बंच ऑफ फ्लावर। तो अब हम जल्दी से इसे भी ऐड कर लेते हैं। एंड इसे ऐड करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए, अपने फ्लावर की बंच। आप जैसे कि स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी का कार्ड, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे। ये हमारा अभी का कार्ड, बट मैं यहाँ पे फ्लावर की बंच ऐड करने वाली हूँ। कैसे ऐड करूँगी ये भी बता देती हूँ। तो हमें यहाँ पे ऐसे हमारी कार्ड चाहिए, राइट? तो इसे ऐड करने के लिए हमें, तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने फ्लावर के बंच को थोड़ा सा काट लिया है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहाँ ऐड करना है, जस्ट आपको थोड़ी सी जुटानी पड़ेगी एंड उसके बाद जो आपका फ्लावर का बंच था। एंड फ्रेंड्स अगर आप पहले से अभी बना नहीं रहे हैं तो फ्रेंड्स जब भी आप बनाइएगा तो इसकी थोड़ी सी ग्लू उस साइड छोड़ दीजिएगा जिससे ये स्टिक ना हो, बट मैंने नहीं छोड़ी, गलती थी, एक ग्लू फैल गई थी इसलिए। तो अब मैं इसे अच्छे से स्टिक कर लेती हूँ एंड ऐसा स्टिक करिएगा जैसे ये निकले ना। तो अब मैं इस जगह पर एंड मैंने इसे, आप इस जब ये पिंक पेपर स्टिक कर रहे हैं तब भी इसे लगा सकते हैं, बट अभी मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज उस टाइम अगर लगाती तो मेरे को कार्ड का हैंड राइटिंग करना, मतलब ये वाली नोट्स बनाना हल्का मुश्किल हो जाता। तो ये देखिए हमारी ये कार्ड रेडी है एंड बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही है एंड अब हम इसे यहाँ पे दाब लेंगे। ये वाली जो मेरी एक्स्ट्रा रब ये दिख रही है इसे भी मैं यहाँ पे उड़ा देती हूँ, इसे ये तार है इसलिए अच्छे से कट नहीं रहा, जल्दी जल्दी कट जाओ। तो ये कट गई है एंड यहाँ पे मैंने इसे, ये फिर से निकल गई है। आप अच्छे से स्टिक करना चाहे तो आप टेप का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स ये वीडियो फेक नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमने इस कार्ड को प्रिपेयर कर दिया है, ये देखिए एंड ये हमारी कार्ड रेडी है। अब आप इसकी ब्यूटी शॉट्स ले लो। आपने इसकी ब्यूटी शॉट्स ले लिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड बहुत ही ईजी कार्ड हमने बनाया है एंड आप देख ही सकते हो कितना ईजी है ये कार्ड बनाना। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।